हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में जिसके थ्रू आप किसी भी फॉन्ट का नेम इजीली वे में पता कर सकते हैं बिल्कुल सिंगल क्लिक पे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम किसी भी अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र में ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉट फॉन्ट एक्सटेंशन फॉर एज। जो भी आपका मतलब ब्राउजर रहेगा तो वो लास्ट में अपना ब्राउजर का नाम डालेगा, या फिर क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, या फिर जो भी आप एज हो सकता हो, आप एज भी यूज करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज भी। तो मैं बेसिकली आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ही यूज कर रहा हूँ, तो आप मैं यहीं डाल रहा हूँ। तो इसी को मैं सर्च कर लेता हूँ। ये जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक है तो आप इसी को ओपन कर लेता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है फॉन्ट फाइंडर जो है ये, मैं इसे देखिए मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो मैं इसको एक बार रिमूव करके फिर से आपको ऐड करके बताऊँगा कैसे करते हैं। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, तो मेरे में यहाँ से देखिए रिमूव हो गया। तो यहाँ पे गेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं गेट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है फॉन्ट फाइंडर। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि कैसे ये वर्क करता है। कोई भी आप कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल, एज अ टेस्ट के लिए मैं सर्च करना चाहता हूँ गूगल, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इसको, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो ये बता रहा है, देखिए ये इस फॉन्ट का नाम है गूगल सेंस, ठीक है ना। और चलिए मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको सर्च करते हैं, देखते हैं इसका इस फॉन्ट का क्या नाम है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा है, इसका कलर कोड क्या है और बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे भी दिखा रहा है। और यहाँ का जो फॉन्ट फैमिली जो है ये स्टैक है, एरियल, सैंस, सेरिफ है, और यहाँ पे जो है फॉन्ट का जो है यहाँ पे एरियल है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका साइज़ भी बता रहा है कितना 14 पिक्सल है, और यहाँ पे इसका स्पेसिंग भी बता रहा है कि कैसे यहाँ पे स्पेसिंग को यूज किया गया है, लाइन और हाइट का, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे, बेस लाइन यूज किया गया है, लेटर स्पेसिंग में नॉर्मल यूज किया गया है, वर्ड स्पेसिंग में 0 पिक्सल, इसमें कोई भी स्पेसिंग जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ इस पर कोई भी स्पेसिंग यूज नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं यूज, देखिए यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया गया है स्पेसिंग में, और मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पे सारी डिटेल दे रहा है। अगर हमें यहाँ पे फॉन्ट को सर्च करना है तो इसको अगर डाउनलोड करना है एरियल फॉन्ट को, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ सर्च कर लेंगे एरियल फॉन्ट डाउनलोड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो अलग अलग फॉन्ट की वेबसाइट होती हैं, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउनलोड फॉन्ट फॉर डेस्कटॉप, तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी फैमिली है यहाँ पे, इसकी एरियल फॉन्ट फैमिली भी है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे थोड़ा और नीचे, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉन्ट है देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ये जो फॉन्ट हमारा वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसको हम इजीली वे में किसी भी फॉन्ट को इसके थ्रू आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली वे में सर्च करके, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको सर्च करना है इमेज के थ्रू, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसके थ्रू अगर आप फॉन्ट सर्च करना चाहते हैं, तो ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक तरीका। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट सर्च बाय इमेज ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और
बस आपको यहाँ पे अपना जो है इमेज ड्रैग करना है। तो सिंपली हम एक इमेज ले लेते हैं, उसको यहाँ पे ड्रैग करके देखते हैं। तो मेरे पास एक टेक्स्ट का इमेज है, मैं इसको ड्रैग करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने देखी इमेज यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इस वाले वर्ड का टेक्स्ट देखना है या फिर इस वाले का। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है फॉन्ट का नेम यहाँ पे आ गया है, इतना सारा लिस्ट जो दे दिया है आपको। तो यहाँ से भी आप इमेज के थ्रू भी आप यहाँ पे फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।